सर क्या बताना चाहेंगे, जो भीड़ पिपली में कॉलोनियाँ कट रही हैं, अवैध कट रही हैं, और उनकी क्या यहाँ से रजिस्ट्री हो चुकी है? हरियाणा सरकार की हिदायत के अनुसार कोई भी अवैध कॉलोनी है जो 7A के कंट्रोल एरिया में आती है, उसकी 1 एकड़ से कम की रजिस्ट्री कराने के लिए DTP की NOC चाहिए। उसके बिना कोई भी रजिस्ट्री कंप्यूटर ही नहीं उठाता जी। और जैसे कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, अवैध हैं कैसी ये? यदि कोई भी कॉलोनी बिना लाइसेंस के हैं, वो सभी अवैध कॉलोनियाँ हैं। DTP टाइम टू टाइम उनको डिमोलिश करने का काम भी करते हैं। तो जैसे मारकंडा खेड़ी का एरिया, ये 7A में आता है? हाँ जी। इसकी क्या गाइडलाइन होती है सर? इसकी गाइडलाइन आपको डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिस से मिलेगी।